वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडूके के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2022 के 17 T20 मैच के बारे में। दूसरे मैच होने वाला है श्रीनी थंडर और बेसमैन हिट के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 27 दिसंबर को, टाइम के अनुसार 1:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी श्रीनी शो ग्राउंड स्टेडियम श्रीनी में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं, लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। एक टीम सिडनी थंडर की बात करें तो जहां 5 मैच 4 मैच लॉस है, 1 मैच विन करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम बेसमैन हिट की बात करें तो वो भी 5 मैच 4 मैच लॉस है, 1 मैच विन करके आ रही है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों का टीम फॉर्म लगभग इक्वल चल रहा है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैच में। तो जहाँ पे थंडर 3 मैच जीत के आ रही है तो वहीं बेसमैन हिट 4 मैच जीत के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों के हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज चेक करें तो सिडनी थंडर का 40% है, तो वहीं बेसमैन हिट का 20% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर का 146 है, तो वहीं बेसमैन हिट का 141 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर का 209 है, वहीं बेसमैन हिट का 166 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी थंडर का 15 है, वहीं बेसमैन हिट का 90 है। तो ये रहे दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स आज के मैच में वेदर कैसे है, क्लियर रहेगी, 33 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 34% रहेगी, वहीं वर्षा होने की चांसेस 2% रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। बात करते हैं फ्रेंड्स चलते हैं पिच की ओर। तो इस पिच का एवरेज स्कोरिंग 150 है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करना पसंद करेगी। इस पिच पर अभी तक टोटल 29 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच पे देखें, इस पिच का सरफेस की बात करें तो इस पिच पे अधिकतर मैच डिफेंड हुई है, काफ़ी अच्छा डिफेंड हुआ। इस पिच पे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। बॉलिंग वाली टीम करने वाली की बात करें तो बॉलिंग यहाँ पर बॉलिंग करने वाली टीम को स्ट्रगलिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जाते हैं और बॉलिंग वाली टीम को चेस करने में काफ़ी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। पिच की रिपोर्ट अगर बात करते हैं, अभी तक BBL में सारे मैच अधिकतर मैच डिफेंड हुई है, डिफेंड में काफ़ी अच्छा रन स्कोर के साथ मैच जीत रही है। तो ये भी मैच शायद में भी हो सकता है कि डिफेंड हो सकती है, तो मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा। बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम सिडनी थंडर की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पर सिडनी थंडर को अपना बैटिंग और बॉलिंग दोनों सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, इस सीज़न की बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही। वहीं दूसरी टीम बेसमैन हिट की बात करें तो वो भी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप इसका भी सुधारने का ज़रूरत है, बिकॉज उसके सामने सिडनी थंडर जो लगभग बेटर है बेसमैन हिट से। तो दोनों के बीच में लो परफॉर्मेंस चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे बीट कर सकते हैं। तो आप लोग जोर दिखेगा, मैच काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं फिर स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉल्स पे। तो फिर दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं, तो पहली टीम सिडनी थंडर के की प्लेयर की बात करें तो एलेक्स हेल्स, जैसन संघा, डैनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन। वहीं दूसरी टीम बेसमैन हिट के की प्लेयर की बात करें तो सैम बेलिंग्स, कॉलिन मुनरो, मिचेल स्वेपसन, जेम्स बैडली। ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए बेसमैन हिट हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।